हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड कोल्ड कॉफी। तो होममेड कोल्ड कॉफी के लिए हमें कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कॉफी बनाने का सामान और हमें चाहिए सुंदर सुंदर दो मग जिसमें हम कोल्ड कॉफी को अच्छे से सर्व कर सके। तो हमें कोल्ड कॉफी बनाने के लिए चाहिए कॉफी, दूध, चीनी और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कॉफी थोड़ी सी निकाल करके यहाँ पे एक बोल में ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लेते हैं, आप अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं जितना भी शुगर चाहिए। हम यहाँ पे 2 कप बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमने डाला है। थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा इसमें मिल्क ऐड करेंगे जिससे ये अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बन सके। तो अब इसको हम अच्छे से स्टिर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपना कॉफ़ी, चीनी और दूध का जो मिक्सचर था वो अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी हो गया है, लेकिन इससे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करने में आसान होगा। अब हमें अपना दोनों मग्स लेना है और इसमें अच्छे से हम चॉकलेट सिरप को थोड़ा सा साइड्स में भी डाल देंगे जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर आपके पास कांच का ग्लास हो या फिर सर्विंग ग्लासेस हो तो उनमें ये काफ़ी अच्छा लुक देता है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये तो एडेड प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगा लिया है। अब हम इसमें अपना फेटा हुआ पेस्ट डालेंगे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये अभी हमने इसके अंदर मिक्सचर डाल दिया, आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम मिल्क पोर करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। थोड़ा सा एक स्टर कर देंगे इसमें जिससे कि जो नीचे से हमने मिक्सर डाला है और दूध आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं।